हेलो की कौन चला गया कौन ये हमारा बाबूजी को एक्सीडेंट देख के आ रहा है। वो जो नीलेश घर है ना, नीलेश घर बिहारी मोहन तालाब हुआ है ना सुलाड़ की तालाब, तो वहीं पर जो है किसी का एक्सीडेंट देख के आ रहे हैं। वो बोले एक्सपोर्ट डेट खत्म हो गया है, तो पूरा एकदम गोदी वोदी सब निकल गया, बॉडी अचरा कचरा सब पूरा भीड़ था एकदम। कैसा जो चलाता है आजकल का लोग गाड़ी, आपको पता है इंडिया में जो है सबसे ज़्यादा आदमी मरने का जो रीज़न है वो केवल रोड एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट चाहे बीमारी हो चाहे ये जो भी हो, सबसे ज़्यादा भारत में मरता है आदमी। और दूसरा कंट्री के मुकाबले सबसे ज़्यादा रेट इंडिया में हाँ। मनीष कश्यप को जान रहे होंगे, हाँ वो कल परसों एक टेम्पो वाला बहुत पीटा है, रिकॉर्ड कर रहा था पीछे से। एगो ऑटो वाला जो है ऐसे ऐसे लहराते हुए सांप की तरह चला रहा था गाड़ी, ऐसे ऐसे करते हैं रोड को मजाक समझ लिया पूरा एकदम बना दंग करते हैं। रोड एक्सीडेंट को रोकने के लिए जानते हैं यहाँ से जो सिटी का जो है ना, जहाँ भीड़ भाड़ एरिया रहता है वहाँ पे एक फ्लाई ओवर ब्रिज बना दिया जाए जिसमें केवल टू व्हीलर क्रॉस करेगा। यही यहाँ फैसिलिटी यहाँ नहीं है, पटना में है, वहाँ है पटना में, वो ज़्यादा नहीं है, नया नया बना है जो हाँ। इसीलिए हुआ गुजरात हाँ। में हाँ। टू व्हीलर का अलग हो रहा है हाँ। ठीक, और फोर व्हीलर का पर्सनल कार का है ना, अपना पर्सनल गाड़ी फोर व्हीलर का है ना वो अलग है, और जो टूरिस्ट जो मतलब जो क्या पैसेंजर बसेस जो होती हैं, टूरिस्ट बसेस पैसेंजर बसेस इनका अलग है, और हेवी लोडेड ट्रक्स का अलग है। एक अच्छा काम किया है कि उधर से पेलेटी मोड़ से जो उधर जो हाईवे बना दिया है ना, आईटीएम मोड़ से जो कनेक्ट किया है, तो उधर से अभी हैवी लोडेड ट्रक उधर से पार होता है। अभी पहले धर्मशाला मोड़ होता है सारा हैवी लोडेड ट्रक पार होता है, तो अब उधर से भी पार नहीं होता है। यस उस ब्रिज से भी नया ब्रिज तो बना दिया है, पर बहुत लोडेड ट्रक को शायद मना था, इस वाले ब्रिज से लोडेड ट्रक में जाती है। पता धर्मशाला मोड़ में जो पता है किधर जाती है अब लोडेड, उधर जाती है चंदन क्यारी से हो गया बाईपास दिया है, तो धर्मशाला मोड़ में जो है हम लोग तो पहले वहाँ से गुजरते थे, हम लोग का वहाँ डिलीवरी का काम चलता था, तो हम लोग उसी रूट में धर्मशाला मोड़ से पूरे चेक पोस्ट तक उसी रूट में हम लोग काम चलता था। तो जब हम लोग रोड क्रॉस करते थे थोड़ा बहुत इधर उधर, तो बहुत भीड़ भाड़ वाला है, तो वहाँ पर लोडेड ट्रक सब जो है वो सबसे हर एक एक महीना में अंतराल में किसी का वहाँ पर होते रहता था। एक एक हैवी लोडेड ट्रक उसमें 14 लोग था समझे, दो तीन गो लड़का जो है मतलब कि बहुत उछल कूद कर अधिकारी में जाके घुस गया उसी में। जानते हैं ये जो उंगली सब है ना कट करके टायर के नीचे पड़ा हुआ था, ट्रक का टायर के नीचे खाली उंगली था, रू का पाने वाला था। क्या मतलब बच्चे ऐसा चलाते हैं ना, मतलब बाप होगा चालीस के ऊपर। और एक चीज़ बताते हैं, ये कार में क्या अधिकांश आदमी गलती क्या कर बैठता है, एक आध आदमी जैसे बूढ़े लोग चलाते हैं, और एक ये घटना एक बार रामडी मोड़ में हुआ था सेक्टर 9 में ठीक है। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि ब्रेक मारने के बजाय एक्सीलेटर दब जाता है, जहाँ पे कार रोकना है वहाँ पे गाड़ी और रेस हो जाता है समझिए,
इस तरह से वो एक स्विफ्ट गाड़ी जो है ऐसे जो ठाकुर जी को जैसे पीछे से मार के आदमी गया था, ठाकुर जी कोई मारा है? ठाकुर जी का ऐसे नहीं एक बार फसलिटी हो चुके हुआ था, नहीं पता आपको? पता हम नहीं थे उसे। ओ, आप कैसे नहीं थे आपको पता नहीं? एक ये आपका बात है 9-10 महीना पहले का बात है या 1 साल हो गया लगभग? नहीं बिल्कुल, 1 साल हो गया। स्कॉर्पियो मार के भाग गया था ना, गिर गए थे वहाँ पे वो पंजाब PNB कॉलोनी के पास, इस तरीके जो हटिया से इधर जो आते PNB कॉलोनी है, स्कॉर्पियो मार के मार गया था, पीछे से मारा था उसे स्कॉर्पियो। इनको इनसे भेंट हुआ था कुलदीप से? कुलदीप राणा का कैसा हाल है? कुलदीप राणा नहीं, कुलदीप जो लकड़ी वाला, हाँ यहाँ पे बैठ पाते। हाँ हाँ, तो बैसाखी में चलते हैं, अभी गाड़ी में बैसाखी रहता है। अभी तो इसी का शिकार हुआ था ना। अभी हम देखे अंकल जो हैं थे वहाँ पे खड़े रोड पे, यहाँ पे कौन वहाँ पे तो हमको देख रहे हैं, मेरा मेरा भी उन पे नज़र है, उनका भी नज़र मेरे पे है। तो पीछे से गाड़ी आ रहा था एक मैजिक वाला, तो हम उनको बोल रहे इधर आइए आइए इधर पार हो। हाँ इधर, खैर इस रोड में तो इधर तो उतना स्पीड में थोड़ी गाड़ी पार होता है, तो आराम से। कहाँ? यही तो थे, यही टर्निंग वहाँ पे जूनियर आंटी का जो है। तो हम फोर भी जाते हैं कभी, तो इधर उधर से निकल लेते हैं हटिया तरफ से, हटिया तरफ से उधर जो है ना आपका स्पीड लिमिट गाड़ी का कम रहता है उधर हटिया से, और पत्थरकट्टा चौक से चाहे बोकारो निवास से पत्थरकट्टा चौक, और पत्थरकट्टा चौक से फोर तक जो है काफ़ी स्पीड में रहता है यहाँ से वहाँ तक गाड़ी।